हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो अभी टाइम हो गया 7:51। हम लोग तैयार है, हम लोग मतलब मैं, पवन और हमारा कृष्णा, तीनों तैयार है। तू तो जूता ही पहने लग गया यार। पवन चप्पल ही पहने था ना? देख मैं तो चप्पल पहन रहा हूँ। तो जूता क्यों पहन रहा है? और जूता खोलना फिर पहनना। ये देख मैं चप्पल। ओहो तेरे पैर, तू तो एकदम छुई मुई पेड़ हो रहा, पेड़ हो रहा, लड़की हो रहा तू तो गाइस। और धनु निकल गई है, धनु तैयार भी है जाने के लिए। बस अब पवन भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। कृष्णा को लिया जा, पवन रुमाल ले लिया है, कृष्णा भी आ गया है, गाड़ी भी तैयार है। चले फिर इसके साथ थोड़ा प्रैंक करते हैं, अपन दोनों चलते इसको छोड़ देते हैं, क्या रिएक्शन आता है। पर रोएगा फिर, चुप भी तो जाएगा तुम गाड़ी बैठते। इसको ना प्रैंक करते, किसी को बुला कर लो, इधर कर लो, ले जाओ ना। बाय 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 बाय, कौन बैठ जा, बाय बाय। अब उसके आधे प्राण फूक गया। ओ भाई उसका चेहरा देख, चेहरा ला 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 ला, चेहरा देख। अच्छा आ जा आ जा, अब देखो आ, तेरे रुमाल पकड़ लो, जेब में रख लो रुमाल, जेब में, जेब में डाल देना। तो अपनी सवारी चली गणेश जी। कृष्णा बीच, कृष्णा कहाँ? हाँ यहाँ पे बीच में बैठा हुआ, और मजबूती से पकड़ना ठीक है। और मम्मी बोल रही है गाड़ी धीरे चलाने के लिए, क्योंकि कृष्णा बेटा भैया मतलब बेटे की कोई कदर नहीं, पोते की कदर है। क्या यार, ठीक है भाई, गाड़ी धीरे चलाएंगे और क्या। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस वेलकम टू रणथंभौर नेशनल फोर्ट। तो हम लोग पहुंच गए भाई। एक्चुअली क्या है ना, अभी टाइम है 4 किलोमीटर, बस यही है कि थोड़ा हरियाली वरियाली चालू हो गया। वो तो देखो झरने भी चालू हो गए, इधर से दिख नहीं रहा है वैसे तो। और भाई क्या ग्रीनरी होगी यहाँ पे बारिश के बाद, तो मतलब हमारा माधोपुर तो वैसे शिमला मनाली लगता है। गाइस मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं, देखो ये देखो बारिश के बाद का नज़ारा भाई। ये आप पुराने वाले ब्लॉग में क्या सूखा सूखा लगता है। अभी देखो इधर से पानी बह रहा गोमुख के पास से, अभी तो आगे पानी बह रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। तो फोन को जेब में डालते हैं। कृष्णा कहाँ है रे? कृष्णा सो गया क्या? इसको जगा के रख रहे हैं, इसको नजारे दिखाई दे। ये देखो गाइस कितना पानी है, पानी पानी। कौन कहेगा राजस्थान में पानी नहीं होता? अबे बहुत पानी है राजस्थान में। जिसको लगता है पानी नहीं है ना, इधर आके देखो, इधर रोडों पे पानी बह रहा है। नदियों की तो बात छोड़ दो, ये रोड पे बह रहा है पानी। उधर झरना देखो कितना मस्त चल रहा है वहाँ पे। गाड़ी पार्किंग खड़ी कर दी है, और भाई आज तो तगड़ी वाली भीड़ है। आज संडे है ना, थोड़ा लेट हो गया। ऐसे तो मैं जल्दी आ जाता हूँ, मगर आज लेट हो गया, पता नहीं कैसे। कोई ना, आज भीड़ में दर्शन करेंगे। पवन देखो वहाँ पे कृष्णा को लेके खड़ा है, और यहाँ भी देखो जाम लगा हुआ है। भीड़, ये इसलिए मुझे भीड़ पसंद नहीं है। और ऊपर भी ना ऐसे मतलब लाइन लगना पड़ेगा, लंबा चौड़ा वाला। अब आपको बताऊँ गाइस कि हम लोग गणेश जी क्यों आए, क्योंकि ना एक्चुअली हमने मन्नत रखी है थी, सबने घर वालों ने अपने अपने मन्नत रखी थी, लेकिन मैंने मन्नत रखी थी कि अगर जब हमारा कृष्णा चलने लगे ना, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो हम इसको गणेश जी दर्शन कराने के लिए लेके आएंगे। अब मन्नत जैसे रखी क्योंकि हमारे घर का सबसे लेट चलने वाला बच्चा ये, 15-16 महीने लगे थे भाई। हमको डर लगता था मतलब एक पल के लिए, लेकिन फिर भगवान की कृपा से बढ़िया चलने वाले लग गया। तो अभी देखो हमारा कृष्णा तो भाई एकदम अलग ही फील हो रहा है कि कहाँ आ गया मैं, ये घर से बाहर निकल के। इसकी तो नजरें नौकरी कभी इधर कभी उधर। कृष्णा कृष्णा देख ही ना बिल्कुल भी, इसकी तो नजरें टिकी नहीं रही है। ये हमारे राजस्थान के बेरुखी है। आज तो गणेश पुल पहुँचते पहुँचते थक गए, इसलिए मैं तो कृष्णा ने रखा, ये तो ऐसे थक गया, थोड़ा सा रेस्ट करते फिर चलेंगे, सांस वैसे फूल जाती है। जाओ कृष्णा चलो थोड़ी देर, चप्पल भी नहीं पहन के आया यार ये तो। चप्पल क्यों नहीं गया इसका? हाँ अच्छा, गाड़ी पे गिर जाता फालतू में। देखो खुद चलेगा यहाँ पे, चढ़ अरे गिर गया, यहाँ पे पत्थर ऊंचा ऊंचा नीचा ना जो गिर जाता है यार, पैर छुरा बंद रहे। आजा 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 आजा, ये देखो गाइस इसलिए इसको लेके आया दर्शन कराने के लिए। अभी खुद ही चलेगा, आगे सफर खुद ही करेगा। उंगली पकड़ ले इसकी, चले अरे तेरे को नहीं कह रहे चले, वो डर गया। चप्पल बिना के लाता तो थोड़ा सही रहता, इधर कंकड़ वंकड़ चुने का डर है। पानी में नहाना मना है वो तुमको पता है, लेकिन गाइस यहाँ से देखो थोड़ा सा, देखते पानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। अभी तो खैर कोई खास पानी नहीं बढ़ा है, पहले तो भाई यहाँ तक पानी आ जाता है, यहाँ तक इतना बारिश आता है, तो भाई उसी का वेट कर रहे हैं। जब इतना बारिश आएगा तो बहुत पानी हो जाएगा, तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर माधोपुर में वैसे पानी की बहुत कमी चल रही है। पवन तो वहाँ पहुँच गया कृष्णा को लेके, वो देखो फाइनली दर्शन हो गए। देखो कृष्णा के तिलक लग गया, ये तो मिठाई के पीछे पड़ा हुआ जब से, देखो मिठाई नहीं गया इसमें। गाइस अंदर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, तो कृष्णा रोने लग गया था उतनी कोई, वो इसलिए मेरे लिए रो रहा, मतलब ऐसे रो रहा था, उसको पहले पवन के पास जाना था, फिर पवन ने लिया तो उसको फिर मेरे पास आना था, तो भीड़ में अलग अलग हो गए, तो रोने लग गया वो। वैसे बच्चा है भाई, बच्चा बन का सच्चा हमारा। अरे क्यों रोता रहता है, क्या हुआ? ये लेगा ये शायद मेरे पास आएगा। अरे देखो गाइस बन का मेरे पास आएगा, ये फोन पकड़ फोन ना, चालू है कैमरा ना, घुमाता इसका यही रख रहा है, इसको कभी इधर जाना कभी उधर जाना। अब थोड़ी देर रह के बोर जाएगा तो उधर जाना होगा। चलो भैया फिलहाल तो क्या है ना, इसको लेके आया हूँ, जल्दी घर ले जाना,
जिसको भूख भूख लग रहा होगा, आगे रास्ते में इसको कुछ खिला देंगे, बिस्किट वगैरह पानी तरह से पिला दिया है, माला ही पिला दिया है इसको हमने, अब बस आगे देखते हैं। रोए मत यार, तू रोएगा तो यार फिर तो काम खराब हो जाएगा, अभी घर पहुंचने में कम से कम अपन को कम से कम 40-45 मिनट लगेगा, तू तो रो रहा है यार अभी से ही। इसमें 5 लड्डू निकलते हैं, अब 3 भी नहीं बचे हैं, कौन खा रहा पर ये, अभी मिठाई रख दूंगा तुरंत रोल लग जाएगा, ले पर मिठाई पकड़ा इसको खिलाए इसको बंदर को, रबड़ गिरेगा। गाइस इसने पूरा मिठाई का एकदम धुआं उड़ा रखा है, देखो लाओ उसने मिठाई रखा है, करिए देखो 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 अभी मिठाई के पीछे देना ले रे, ये मिठाई खा के ही मारेगा पूरा मिठाई, इसके नाम पे चढ़ाना था, यही खाएगा पूरा मिठाई। इतनी बारिश हो गई है मगर अभी तक इसमें पानी भी नहीं भरा यार, कितना है यार, ऐसा लग रहा है पूरा सूखा पड़ा हुआ, अभी तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 महीने लगातार बारिश होगी तब जाके पिछले साल का सूखापन खत्म होगा। हाँ अभी तो दो साल पानी सियान, तो भाई यही होगा ना हाल, अभी थोड़ा और बारिश आएगा ना तब देखो पूरा एकदम लबालब भर जाएगा, फिर ये जो लिखा हुआ ना सही हो जाएगा, एक इस कुंड में स्नान करना मना, पानी बहुत गहरा है। अब बस नीचे आ गए, पार्किंग में से गाड़ी निकालनी है, बस ये दिक्कत है यहाँ पे कि बहुत गाड़ियाँ आज है, अब गाड़ी निकालने में ना बहुत हालत खराब होगी, कौन तो इसको पकड़ना, मैं गाड़ी निकाल लाता हूँ। एक बार देखो कितनी भीड़ है यार यहाँ पे, गाड़ी 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 से देखो सब गाड़ी गाड़ी लगी हुई है, बाइकों का भी भयंकर वाला भीड़ है। मैंने गाड़ी आगे खड़ी की है इस बार, हमेशा यहाँ खड़ी करता था गाड़ी, इस बार आगे खड़ी की, कोई जगह ही नहीं चाहिए। बोलो भाई क्या बात है, मेरी गाड़ी के आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं, पकड़ इसको जल्दी पकड़, मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, जाता भैया अच्छी जगह गाड़ी खड़ी की थी, तो फिलहाल तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी निकालते हैं, अब घर पे मिलेंगे डायरेक्ट। गाड़ी तो आ गई हाथ में, लेकिन अब यहाँ पे देखो जगह ही नहीं निकलने का, गाड़ी वाले ब्लॉक कर रखा, चलो जैसे तैसे करके गाड़ी निकालते हैं, अब तो फोन को जेब में रखते हैं, तो डायरेक्ट घर पर मिलेंगे आपसे।